वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। 11 दिसंबर के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, कोशिश करिए खुद से आंसर देने का। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मानव सूचकांक, जो मानव सूचकांक रैंक होता है उसमें ज़रूर आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 129, याद रखेंगे इस नंबर को, 129 एग्ज़ाम में एज इट इज़ ज़रूर पूछा जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत 189 यानी कि 189 देशों का जो है कि 189 कंट्री का सर्वे होता है, जिसमें कि भारत 129 यानी 129 के करीब के स्थान पे है, के पावदान पे है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि एक कदम थोड़ा सा ऊपर आया है इस बार। ठीक है, तो एक कदम सुधार हुआ है कह सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अबू धाबी। अबू धाबी को चुना गया है विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल में के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस हिंदी कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विश्वनाथ प्रसाद। देखिए इनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनको हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया जाता है, तो जान लीजिए कि इसके अंतर्गत ₹50,000 विजेता को दिया जाता है, साथ ही साथ एक शाल दिया जाता है और उसके बाद स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार ये है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच आरंभ हुए द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो देखिए ये सिंपल सा नाम है, हैंड टू हैंड। क्या नाम है? हैंड इन हैंड। और इसमें ये 7 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये 20 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 130 जवान दोनों देशों से शामिल होंगे। से एक भारत से 130 और 130 चीन से शामिल होंगे और ये युद्धाभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और इस बार का विषय क्या रहा, थीम क्या रहा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार का थीम था मानवाधिकार के लिए युवा कदम उठाएं, युवा यानी यूथ कदम उठाएं। आप लोग को कदम उठाने की ज़रूरत है, मानवाधिकार मतलब मानव के अधिकार के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।